हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लिए 11 साल पहले पाकिस्तान से आए RDX व हथियारों की खेप में पकड़े गए 10 आरोपियों की आजीवन कारावास। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में वर्ष 2009 में पाकिस्तान से आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लिए आए 15 किलो RDX, 12 विदेशी पिस्तल तथा अन्य विस्फोटक सामग्री को बाड़मेर पुलिस ने पकड़ कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वो मामला 11 साल तक ट्रायल पर था। इस मामले में 4 आरोपी जेल में सजा काट रहे थे तथा 6 जमानत पर रिहा थे। मंगलवार को इस पूरे मामले में बाड़मेर के विशिष्ट न्यायालय में न्यायाधीश सुश्री विनीता सिंह ने विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल इस पूरे मामले में 4 अन्य आरोपी भी हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी कुख्यात तस्कर फोटिया व आलिया फरार जो पाकिस्तान में है, वहीं 2 बब्बर खालसा के आतंकी विदेशों में फरार हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कमाल खान सरकारी अधिवक्ता, इन्होंने ये कहा। वर्ष 2009 में RDX और विस्फोटक पदार्थ मैगजीन पाकिस्तान से कुछ तस्कर लेके आए थे और यहाँ से आगे बब्बर खालसा ग्रुप को सप्लाई करना था और उस प्रकरण में 2009 के प्रकरण में 11 साल तक ट्रायल चली। आज ट्रायल कंप्लीट हुई, जिसमें माननीय न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री वमिता सिंह जी ने फैसला सुनाया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम IPC की धारा 120B 153A के में सभी 10 आरोपियों को आरोपित माना और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।